कानपुर के विदनू ब्लॉक के गांव कुमाऊपुर में स्थित जटेश्वर धाम मंदिर को लेकर ग्रामीणों का दावा है कि यहां बाबा का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुआ था। टीवी 30 इंडिया की टीम ने यहां के स्थानीय लोगों से पता किया तो वह पता चला कि कुछ बच्चे यहां पर आज से 7 साल पहले खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें अचानक से कछुआ दिखाई दिया। जब बच्चे ने उसे कछुए को उठाने की कोशिश की तो उस बच्चे को एक शिवलिंग दिखाई दी, जिसके बाद बच्चों ने आवाज करके ग्रामीणों को बुलाया। जब ग्रामीणों ने देखा तो वहां पर बाबा शिव की शिवलिंग थी। उसके बाद भजन कीर्तन का दौर चला और बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जब हमारी टीवी 30 इंडिया की टीम ने वहां पहुंचकर जानने का प्रयास किया कि आखिर मूर्ति स्वयंभू कैसे निकली, कैसे यहाँ पर बाबा ने अपने दर्शन दिए, इस दौरान ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है और लोगों की काफी संख्या में भीड़ रहती है। कितना पुराना मंदिर है ये? अब जो नाम बेटा बताए। अरे, ये कहा जाता है कि यहाँ बाबा की मूर्ति जो स्वयं निकली थी। हाँ। अच्छा, किसने देखा था? अभी बउआ लड़का ना है, बहुत छोट है, ये बिटिया ना बकरी चरा रहे थे, अरा चरा रहे थे। हम पंचे घर में रहा, अब बिटुआ अल्लाह लड़का मार देने कि बाबा निकल गया बाबा, तो ये भाई सही, तब मन यौरव देखे तो भाई सही बात। बराबर पूजा होती तब से? हाँ, पूजा बराबर बउआ। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं लोग बाबा? अब बउआ शिवरत का बहु मन आवत है, इनके जो पापा ही सोनू है, ये सोनू भाई है, इनके पापा ज़्यादा वो करते हैं। क्या देखा था इस मंदिर में तुमने जब यहाँ पर देखा था? हमने यहाँ बकरी चराने थे, हमने कहा ये नीचा है, हमने कहने लगी थी तब इसमें तो चलती थी। किसको बताया था देखने? लड़कन की छोटी छोटी थे, उनको बताया था। उसके बाद यहाँ पर क्या देखा, फिर क्या निकला हुआ था? तो अब यहाँ पर मंदिर बनाया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुदामा जी है। अरे, इस मंदिर का क्या इतिहास है? मंदिर में बहुत ही मानता है, इसमें 5-6 साल पहले अपने आप पे कट हुए थे जमीन से। अपने आप निकले, किसने देखा था इसको? सभी लोगों ने देखा था। यहाँ मेला वगैरह भी लगता है शिवरात्रि में? शिवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है, विशाल यज्ञ लगता है। कहाँ कहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए? बहुत से दूर दूर से आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, क्योंकि जैसा भक्त लोग अपना श्रद्धा जिनकी पूरी होती है तो अपना कर जाते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।